वेलकम टू थ्रेड पावर। आज मैं आपको बताऊंगी कि ज्वेलरी मेकिंग में बीड्स में हम हेड पिन लूप जो है कैसे बनाते हैं। देखिए, एक तो ये बड़े बीड में इस तरह का लूप बनता है, बड़ा लूप थोड़ा, और अगर बीड थोड़ा छोटा है तो उसमें हम इस तरह का लूप बनाते हैं। देखें तो दोनों तरह के लूप में आपको बताती हूँ आज। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें मटेरियल ज़रूरत होगी, दो बीड्स हमें चाहिए, छोटा बड़ा और दोनों के लिए ये हेड पिन्स, और एक चाहिए हमें इयररिंग हुक, इयररिंग हुक नोज प्लायर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए सिंपली हमें ये हेड पिन इस तरह की होती है, इसे हम इस तरह से डाल के और एक नोज प्लायर की मदद से इसे हम इस तरह से बेंट कर देंगे। और बेंट करने के बाद सिंपली हमें उसी होल में इसको एडजस्ट कर देना है, इस तरह से। तो ये तो था बड़े बीड के लिए, क्योंकि हम वायर रैप नहीं कर सकते, ऑलरेडी बीड बड़ा है और ये वायर की लेंथ जो है इसमें पूरी आ जाती है। तो जस्ट इसमें हम ये इयररिंग हुक जो है इसे ऐड कर देते हैं। इसमें भी नीचे लूप दिया होता है, तो इसको हम हल्का सा खोल के यूं और इसमें ये वायर डाल देंगे और इसे दोबारा क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम फैंसी इयररिंग, हम फैंसी बीड लेकर, ये सिर्फ एक लूप हमें बनाना आए और बहुत अच्छे इयररिंग बना सकते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम छोटे बीड के लिए। तो ये पिन लूप बनाने के लिए हमें इस तरह से एक स्मॉल बीड ले लेना है और उसमें इस तरह से ये वायर डाल के नोज प्लायर की हेल्प से यहाँ इतना, यहाँ से हम थोड़ा सा पोर्शन वायर का छोड़ के इसको इस तरह से बेंड कर लेंगे, ये इस तरह, और फिर यहाँ से पकड़ के हम वायर को इसके ऊपर इस तरह से रैप कर देंगे, इस तरह से, और फिर अंदर से पकड़ के इसको पूरा एक लूप बना देंगे, इस तरह से। ये लूप बना दिया हमने इस तरह से। अब यहां से पकड़ के इस वायर को इस तरह हमें घुमाते जाना है। देखिए, इस तरह से हम ये लूप भी तैयार कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने ये लूप तैयार किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सपोर्ट करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।